हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक। तो आज मैं बना रही हूँ राजस्थान और महाराष्ट्र का एक कॉम्बो थाली बना रही हूँ। तो उसमें रहेगा महाराष्ट्र का जो पिटला बनाते हैं वो, और साथ में रहेगा ज्वारीची भाकरी, और उसके साथ में मैं बनाऊंगी राजस्थान की ग्वार फली की सब्जी। एक ग्वार फली की चटनी मजेदार रहेगी वो, और भाकरी के साथ में दोनों भी बहुत अच्छे से बैठ जाती है, यानी पिटला भी और ग्वार फली की सब्जी भी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं गवार फली को ले लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धो के अब मैं ना एक चाकू की हेल्प से इसके आगे पीछे के जो डंठल होते हैं उसको मैं निकाल दूँगी, उसे कट कर लूँगी। तो जब भी मुझे गवार फली की सब्जी बनानी होती है ना, तो इससे पहले तो आगे पीछे से डंठल निकालो, फिर उसे एक एक करके हाथ से तोड़ो। बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो मैंने इस तरह से ये ट्रिक अपनाया है। तो आगे पीछे के डंठल निकाल के मैंने एक स्टीमर में इसे स्टीम करने के लिए रख दिया है, और इसे मैं ना 5 से 7 मिनट तक स्टीम कर लूँगी। चटनी के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल में अच्छा से एक गरम पानी बना लिया, खूब गरम मैंने कर लिया है पानी को। आप देख रहे हैं ना कैसे धुआं निकल रहा है इसमें से। और अब मैंने ना और थोड़ी सी ग्वार फली को इसी तरह से कट कर लिया आगे पीछे से, और मैंने गर्म पानी में डाल के इसमें नमक डाल के रख दिया। इसका हम बनाएंगे चटनी, चटनी बोल सकते हैं, ठेचा बोल सकते हैं, जो भी आप बोलिए। और तब तक देखिए 5-7 मिनट हो गए, और मैंने इसे ढक्कन हटा के देखा तो ये अच्छे से स्टीम हो गई है। और अब मैं इसके ठंडा कर लूँगी, और फिर ठंडा होने के बाद में इसको देखती हूँ मैं, या तो इसके टुकड़े कर दूँगी, या एज इट इज़ भी आप छोंक लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी है तो मैं इसके थोड़े टुकड़े ही कर लूँगी। तो ठंडा हो रहा है तब तक हम करते हैं पीटला की तैयारी। तो उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और पीटला में ना थोड़ा खटास अच्छी लगती है, तो इसलिए खटाई के लिए मैंने खट्टा दही डाला है 2 चम्मच। और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक ना अच्छा सा लिक्विडी बैटर बनाना है हमें। बिल्कुल ऐसे फ्लोई बैटर चाहिए, लेकिन पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे, नॉर्मल ठंडा पानी हमें लेना है। और बस इस तरह से मैं एक बार ना इसका बैटर तैयार कर लूँगी, और फिर बाद में जब अच्छे से घुल गया है ना बेसन, तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट 2 कप जितना मैंने पानी इसमें डाल दिया। लेकिन एक बार मैं स्पून से हिला के देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने इसमें और आधा कप पानी डाल दिया, यानी 1 कप बेसन में मैंने टोटल 3 कप पानी का यूज़ किया है। तो अभी हम इसको भी साइड में रखते हैं। तब तक देखिए ये वाली जो ग्वार फली चटनी की जो है ये भी अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो अब ठंडी भी हो गई है। तो अब मैं इसे एक मिक्सर जार में डाल दूंगी। साथ में मैंने ये वाली हरी मिर्च ली है, क्योंकि वो जो तीखी वाली हरी मिर्च अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो वाली अगर आप डालेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये चटनी खाने में। तो वो वाली आप 3 से 4 5 हरी मिर्च डाल दीजिए। और मैंने खटाई के लिए नींबू का सद का यूज़ किया है, थोड़ा जीरा डाला है, और थोड़ी सी मैंने मूंगफली के दाने डाले हैं, काला नमक डाला है साथ में, और थोड़ा सा सादा वाला नमक डाला है। और अब बस इसे है ना अच्छे से अब मैं इसे पीस लूँगी। इतना मज़ेदार ये बन गया है ना, जैसे हम जो मिर्ची का ठेचा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से ये लगेगा। लेकिन आप अगर आप चाहो तो इसमें आप हरा धनिया वगैरह डाल सकते हो। अब मैं ना इस पे छौंक लगा दूंगी। उसके लिए मैंने मूंगफली का तेल लिया है एक पैन में, और उसमें मैंने बस राई डाली, हींग डाल दी है, बस उसका मैंने यहाँ पे छौंक लगा दिया। अब ये हमारा गुआर फली की चटनी ठेचा जो भी है वो तैयार है। बिल्कुल देखिए, गुआर फली थी उसके मैंने टुकड़े कर लिए, और बस अब मैं इसे छौंक लगा दूंगी, वो फटाफट बन जाती है सब्जी। मैंने तेल में डाल दिया है हींग, राई, और थोड़ी सी मैंने मेथी के दाने डाले हैं, दाना मेथी जो होती है वो, और थोड़ी मैंने ना तिल डाली, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए। और फिर बाद में जो स्टीम वाली ग्वार फली थी मैं डाल दिए। अब बस फटाफट इसमें सारे हल्के हल्के मसाले डाल दूंगी मैं, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, फिर मैंने सोचा इसे थोड़ी खट्टी मीठी बनाती हूँ, तो नमक डाला है, और साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें शक्कर डाली है। आप गुड़ का यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, खटाई डाल दीजिए इसमें। रसे वाली बनाना है तो आप इसमें थोड़ा रसा बना सकते हैं पानी डालकर, और मैंने खटाई की जगह पे इसमें यूज़ किया है नींबू का शरबत। तो बस ऐसे सूखी वाली अच्छी लग रही है सब्जी, तो मैंने इसमें कोई रसा नहीं बनाया है। तो बस ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम लगा देते हैं भाकरी के लिए जो ज्वारी की रोटी उसका आटा। तो मैंने 1 कटोरी ज्वारी का आटा लिया, 1 कटोरी मैंने लिया है बाजरी का आटा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है दोनों आटे के साथ में। नमक को अच्छे से मिक्स करके अब मैंने इसमें थोड़ा ना गर्म पानी के साथ में ये आटे को लगाया है। तो मैंने यहाँ बाजरी का आटा और ज्वारी का आटा दोनों मिक्स किया है,
क्योंकि बाजरी राजस्थान में ज़्यादा चलती है और ज्वारी महाराष्ट्र में, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। और इसके बिना जो हम रोटी बनाएंगे भाकरी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप चाहो तो किसी एक आटे से बना सकते हो। अब बस गर्म पानी में है ना, हम इसे फटाफट गूंद लेंगे ताकि ना इसे ज़्यादा देर हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आटे को। तो बस आटा जैसे लगाया मैंने तो बस विद इन 2 मिनट्स मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया ये वाली जो भाकरी है वो। तो मैं इस तरह से हाथ से बना रही हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बड़ी बन नहीं पा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा बेलन की हेल्प ले ली और साइड से जो ऐसे बराबर फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे हाथ से उसे फिनिशिंग कर दिया है, क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है बनाने की। मैं ट्राई कर रही थी बनाने का, लेकिन बस खाने का मन करता है तो सीखना तो पड़ता ही है, बस वही बात है। तो बस इस तरह से देखे मैंने यहाँ पे अच्छे से दोनों साइड से इसे सेक लिया है, और ये ना खाने में नो डाउट बहुत अच्छी बनेगी, चाहे इसका शेप कैसा भी हो। और बस इस पे ना अच्छा घर का देसी घी लगाइए आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी ये वाली रोटी। तो अब लास्ट में हम बनाएंगे पीटला, क्योंकि पीटला का हमेशा लास्ट में बनाना है जब हम सर्व करना रहता है तभी, क्योंकि एकदम वो घट हो जाता है। तो बस मूंगफली का तेल लिया है, उसमें मैंने राई जीरा डाल दिया है, साथ में थोड़े से मूंगफली के दाने और करी पत्ता, हरी मिर्च, और मैंने थोड़ी सी सफ़ेद तिल डाली है, और अब मैंने लाल मिर्च डाल के इसे फटाफट से ये जो पीटले का बैटर था ये मैंने इसमें डाल दिया। अभी हमें ना इसे कंटिन्यू मिक्स करना है, ताकि देखिए अब ये कितना है ना इसे घट हो गया है ना। तो बस अब जैसे ही बॉईल आएगा मैं चम्मच हटा दूंगी और इस पे लगा दूंगी ढक्कन, लिड लगा के फिर मैं इसे 2-3 मिनट और पकने दूंगी, क्योंकि बेसन है तो इसे अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसे ना, इसकी निशानी यही है कि इसके ऊपर ऐसे तेल आने लग जाए तो समझ जाना कि बेसन अच्छे से पक गया है। तो बस अभी हम करेंगे सर्व, तो चलिए लगाते हैं हम थाली। तो उसके लिए मैंने ले ली एक थाली और मैंने यहाँ पे रख दी है ज्वारी बाजरे की रोटी, और उसके साथ में मैंने रखी है गवार फली की चटनी, और साथ में मैंने रखे गवार फली की सब्जी, और गर्मा गर्म पीटला मैंने रखा है, और साथ में थोड़े से मैंने स्टीम्ड राइस। और गुड़ और घी के बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा इस ज्वारी की और बाजरे की रोटी का। साथ में थोड़ा सा गार्निश कर लिया। चलिए अभी इसको ना टेस्ट भी कर ही ले। गवार फली की चटनी और थोड़ा पीटला ले लिया, तो इसे हमें खा के देखते हैं। तो आपको आज की ये थाली कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जो अंगूठा बना हुआ है ना बस उस पर आपको क्लिक करना है एक बार के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर से कर देना जाने से पहले। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।